तो जी दिन के बजे हैं 5:30 और फिल्म खत्म हो चुकी है, हमने फिल्म देखी और अब जा रहे हैं हम इधर, यहाँ पर नाको लेक है बहुत ही फेमस, सो वहाँ के लिए विक्रम जी का इंतजार कर रहे हैं और बढ़ रहे हैं नाको लेक। और हम अभी जा रहे हैं मॉनेस्ट्री। मॉनेस्ट्री नहीं, नाको लेक। नाको लेक अभी चलेंगे तो पता चलेगा। वो भी टैक्सी लेके, वो भी पीछे डिक्की में बैठ के। चलिए जी, नाको विलेज में आपका स्वागत है। हाँ ऊपर जाके आ गए। और देखिए इस रास्ते से हम यहाँ आगे जा रहे हैं, ये सामने जो दिख रहा है ये है नाको विलेज, और ये नीचे आपको जितनी खेती दिखाई दे रही है ये पूरी है मटर की खेती। और आपको जानकर ये आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि यहाँ की मटर इतनी प्रसिद्ध है कि ये एक्सपोर्ट तक होती है। ये जो पीछे आपको ट्रक्स दिखाई दे रहे हैं, देखिए जूम इन करके दिखाता हूँ, ये जो ट्रक्स हैं सब मटर के लिए, मतलब इसमें मटर लोड होके नीचे दिल्ली हैदराबाद तक जाने वाला है, ऐसा हमने इनसे पूछा है। सो यहाँ से बढ़ना है हमें आगे, और उधर ये मकान जो है ये वाला रेड छत वाला, यहाँ से ऊपर है नाको लेक। और ये हम पहुँच गए विलेज के लगभग बीच में। वाह कितना सुंदर लगता है, मतलब हर जगह की अपनी एक एम्बियंस होती है, और जब आप वहाँ स्टेप इन करते हैं तो उस एम्बियंस को महसूस कर पाते हैं। कहाँ से बोला था? और ये देखिए जी कितना सुंदर दृश्य है, ये जो हर घर के ऊपर एक झंडा लहरा रहा है, वाह बहुत ही अद्भुत लग रहा है, बहुत ही अद्भुत मन मोह लेने वाला एक दृश्य जो अभी आप देख रहे हैं और मैं भी देख रहा हूँ। तो ये रास्ता जाता है जी नाको लेक को। आइए सर। और ये है जी नाको लेक। चलो 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 आगे चलो। जुले अरे वाह, तो देखिए जी क्या सुंदर नजारा है एकदम नाको गांव के बीच। तो जी तैयारी हो रही है नाको लेक में बोटिंग करने की, लाइफ जैकेट पहनी जा रही है। इसमें मैं बनूंगा, आज सात्विक अम्मी पैडल करेंगे। हाँ, मैं भी। ड्राइवर पैडल करेंगे और पापा मम्मा बैठेंगे आराम से। हाँ, मैं वो ड्राइवर, मैं गाड़ी को इधर उधर करूंगा, मजा आएगा फिर। पापा चलें इस वाली बोट में चलेंगे। अभी हम आए नाको लेक में, यहाँ पे आधे घंटे का 100 रुपीज था बोट, है ना, हमने एक ले ली। यहाँ पे जो मजा आ रहा है ना, आज तक कहीं नहीं आया बोटिंग करने में। तो जी इस प्रकार बोटिंग का आनंद लेने के पश्चात हम निकल पड़े नाको गांव की सैर पे। जुले, जुले। और देखिए हर एक जगह यहाँ पर हाईवेज पे भी कई जगह दिखता है पत्थरों पे इस प्रकार से नक्काशी करके कुछ कुछ लिखा जाता है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा इनकी अपनी भाषा में कुछ तो भी लिखा हुआ है। ये जा रहे हैं हम जुले जुले नाको विलेज से होते हुए, देखिए किस प्रकार के गांव हैं। इधर से ही जाना सर, राइट हैंड साइड से।
उनसे पूछो, उनसे उनसे भैया गाय का दूध मिल जाएगा क्या? पीने के लिए चाहिए। दूध मिल जाएगा क्या गाय का? पता नहीं, थोड़ा ही है, थोड़ा ही है। अच्छा, थोड़ा ही दूध है, थोड़ा ही है सर, थोड़ा ही है। चलिए सर, दूध नहीं मिला सर, दूध नहीं मिला, पाउडर के दूध से काम चलाना, पाउडर, पाउडर के दूध से। आ जा इस गली में गई दूध ले। मिल गया। गुस्से में बहुत लग रही है, आंखें भी लाल है। इसकी ना, ओ माय गॉड, सॉरी मैडम, सॉरी मैडम। मिला हाँ हाँ, नहीं सच में, थोड़ा सा जी जी जी, धन्यवाद। आइए जी, हम आपको दिखाते हैं नाको का एक सुंदर घर। क्या बात है, वाह अरे वाह, अरे हेलो, क्या नाम है इसका? इसका नाम है तेंजिन नंगसल। तेंजिन नंगसल, वाह। चलिए हम आपको मिलवाते हैं, इनका नाम है तेंजिन नंगसल। चलिए अले 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 आ जा, ओमो लोगो चुगु चुगु पू। वही देखते हुए आ रहे थे, तो मुझे गाय देखी इस गांव में, तो मैंने कहा दूध पता करते, हम जहाँ भी रुकते हैं ना गाय देख लेते हैं, तो बच्चों के लिए थोड़ा दूध वहाँ से ले लेते हैं, लोकल जिसके यहाँ होती है वो दे देते हैं। यहाँ का कल्चर और जैसे हम लद्दाख की तरफ जाते हैं, तो आपको क्या लगता है लगभग एक ही कल्चर है या कुछ फर्क है? डिफरेंट, मुझे तो डिफरेंट लगता है, हमारा और लद्दाख में तो बहुत डिफरेंट है। अच्छा, हमारा रहन सहन सेम है और खाना पीना भी, मैं खाना पीना भी, हाँ हमें वही लगा, जैसे आपने सत्तू का जिक्र किया तो वहाँ भी ट्रेडिशनल वही है, सत्तू का, सत्तू जो है ना। हाँ जी, आपके यहाँ जो शादियाँ होती हैं वो आसपास गांव में ही होती हैं या फिर और दूर भी है, अब जाने लगे हैं लोग? हाँ, दूर भी जाने लगे हैं काफी सारे लोगों ने, तो दूर भी शादी की है यहाँ से, मतलब की हमीरपुर वगैरह साइड, हिमाचल में। अच्छा, हिमाचल की तरफ भी है जी। पहले पहले तो नहीं होता था, किन्नौर से मतलब ये आसपास के गांव। अच्छा, किन्नौर के, किन्नौर में ही होती थी? हाँ, आसपास के गांव में, और यहाँ से यहीं से यहीं पे, इसी गांव से इसी गांव से इसी गांव में। जी जी जी, उठाओ। जैसे बहन जी, हमारे प्लेन्स में हम देखते हैं कोई एक छोटा सा शहर होता है ना, पर बहुत सारी अलग अलग जातियां होती है वहाँ पर, ऐसे कास्ट यहाँ पर भी अलग होती है? बुद्धिस्ट एक ही पूरा हमारे यहाँ भी है कास्ट। अच्छा, अलग अलग है। और विवाह भी जो आपकी शादी होती है वो सेम उसमें होती है या अलग अलग में हो जाती है? सेम में ही प्रिफर तो करते हैं, सेम में, अलग अलग हो जाए तो। बट हमारे यहाँ पे दो लो कास्ट होते हैं, वहाँ पे नहीं होता, बाकी तो हो जाते हैं। अच्छा, ऐसे नहीं होता। और यहाँ पर भी शादी, जैसे हम एक जगह गए थे तो वहाँ शादी का ट्रेडिशन था कि एक मेला लगता था वहाँ, फिर वहाँ पर लड़के लड़की दोनों आते थे, फिर वो वहाँ पसंद करते थे और वहाँ से वो साथ मतलब तय कर लेते थे वहाँ से, फिर वो वहाँ से चले जाते थे। हाँ, क्या करते थे वो, भाग के शादी करते थे, कैसे करते थे? यहाँ पर कैसा ट्रेडिशन है, मतलब यहाँ देखने आते हैं बाकायदा? मतलब कि कोई लड़का लड़की बहन करके बाकी भी कर देते हैं। अच्छा, और कोई मतलब कि रिश्ता लेके जाते हैं, अगर अरेंज मैरिज ना, अरेंज मैरिज, हाँ हाँ हाँ, कोई बाकी कर लेते हैं। अच्छा, कोई तो बाकी कर लेगा तो कर, नहीं नहीं, पर वहाँ ट्रेडिशन है सर। नहीं नहीं, वहाँ का ट्रेडिशन एक जगह का अरेंज मैरिज है ना, ट्रेडिशन है कि आप पसंद करोगे। यहाँ फंस गए,
शादी की? लग रहा था मुझे। अच्छा ये मिल गया हमें दूध, ये इन दोनों के लिए दूध। अच्छा तत्ता जी बाय जी, बाय बाय तत्ता जी, बाय बाय। कितने बने बहन जी? हाँ जी, पैसे बताइए ना। नहीं नहीं नहीं, सच में रहने दो। नहीं जी, सच में। तो दूध ले लिया। ओके जी, आइए आइएगा जरूर टाइम निकाल के। तो जी, इस प्रकार लौटते वक्त हमने ले ली कुछ ग्रोसरीज और फिर हम पहुंच गए अपनी कैंपर वैन पे। सो जी, ऑल सेट। विक्रम जी, भाभी जी सब जा चुके हैं, सामने आपको दिख रहा है। अवनी सो चुकी हैं, मैं भी अपने बेड पे सो चुका हूँ, श्रीमती जी भी सोने जा रही हैं। की जाती है लाइट। शुभ रात्रि जी। क्या बात है सर, क्या बात है। आनंदम, वाह वाह वाह। तो जी, ठीक ठाक समय हो चुका है आज और बन रहे हैं गोभी चावल और मटर के पराठे। क्या बात है। और आज हमें निकलना है यहाँ से आगे ग्यू मॉनेस्ट्री की तरफ। सबने स्नान कर लिया, मेरे सहित श्रीमती जी का स्नान हो गया, सात्विक जी का भी हो गया, अवनी का भी हो गया। और अब अवनी को लग रही है बहुत तेज। नहीं नहीं, अभी नहीं लग रही ना। नहीं, इसका ये रहा बिना मिर्ची का। वाह। तो चलिए बस भोजन ग्रहण करते हैं, मेरी थोड़ी सी एडिटिंग है वो निपटाते हैं और उसके बाद बढ़ेंगे आज ग्यू मॉनेस्ट्री। तो जी, ये गर्मा गर्म पराठा एकदम रेडी है। वाह वाह। और उसके साथ है दही जिसमें डला हुआ है जीरा, लाल मिर्च और नमक। क्या बात है। आइए जी, स्वागतम। थैंक यू जी। कैसे हो आप लोग? हम लोग बढ़िया हैं। नहीं बस थोड़ा लेट भी हो गए। अच्छा। तो जी, कल हम जिनके यहाँ से दूध लेकर आए थे वो सब परिवार आए हमसे हमारी कैंपर वैन पे मिलने के लिए। ये खा लेंगे। हाँ, वो टॉफी हटा देते हैं ना। हम बिस्किट ले। नहीं, अभी चाहिए। 12 बजे करे अभी याद आई मैंने। हो सकता है काम वो थोड़ा दूर भी है तो इसलिए आप आ नहीं पाए होंगे ना। सुबह जल्दी निकल गए थे ना हम, नहीं तो सुबह आना था, फिर वहाँ पे टाइम पे पहुँचना था। मम्मा, मैं कैसे खाऊं? खोली इसने। तो इस प्रकार उन सबके साथ थोड़ी देर गपशप करने के बाद अब समय हो चला था यहाँ से आगे बढ़ने का। तो जी, नाको से हम इजाजत लेकर आगे बढ़ने के लिए एकदम तैयार हैं। स्वास्थ्य आज थोड़ा सा डाउन लग रहा है मुझे लगता है, क्योंकि 12,000 का ऑल्टीट्यूड है। ऑल्दो अब आगे हमें सब जगह 11,000, 12,000, 15,000 इसी ऑल्टीट्यूड पर रुकना है, पर अभी क्योंकि हम एकदम से 6,000 के ऑल्टीट्यूड से 12,000 पे आए हैं और यहाँ पर 2 दिन रुके हैं तो एक्लमेटाइज होते होते थोड़ा सा समय लगेगा, इसलिए ना शरीर टूटा टूटा सा लग रहा है, हल्की सी हरारत सी भी लग रही है, पर मुझे लगता है 1-2 दिन में ये ठीक हो जाएगा। और शेष बस यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर जगह थी। मतलब इस स्थान से कभी निकले तो यहाँ पर अगर आपके पास कैंपर वैन है तो ही आप यहाँ हॉल्ट ले सकते हैं, क्योंकि इतने हाइट ऑल्टीट्यूड पे हवा का जो एयर वेलोसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा है और ठंड भी अच्छी खासी है। मतलब तो चलिए बस बढ़ते हैं, यहाँ से आगे के नज़ारे आपको दिखाते हैं और हम भी आनंद लेते हैं, आपको भी आनंद दिलाते हैं।
और यहां से हम कुछ दूर बढ़े ही थे कि हमें मिल गए हिमाचल के अपने एक सब्सक्राइबर। लेके चल रहे हैं आप साथ में सर? नहीं, भाई गेट बंद कर लीजिएगा, हवा है ना तो अच्छा रहेगा। तो आप यहाँ नीचे वाले गांव में तो जी इस प्रकार उनसे इजाजत लेने के बाद हमारा कारवां एक बार फिर से आगे बढ़ चला अपने अगले गंतव्य की ओर। तो यहाँ से हम कहाँ पहुंचे, कहाँ रुके, ये सब आपको बताएंगे अगले व्लॉग में। इतना स्नेह देने के लिए हृदय से बहुत 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 धन्यवाद। शीघ्र अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।